तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ का इस्लामपुर शहर में अयोध्या का राम मंदिर। यहाँ पे स्थित हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है फुल टोटली। चलो आप लोग को मैं सबसे पहले लेके जा रहा हूँ पेरिस। पेरिस मतलब आईफिल टावर। यहाँ पे एक आईफिल टावर है, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आप लोग को लेके जाऊंगा राम का दर्शन कराने के लिए, राम मंदिर। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। हम आपको लेके जा रहे हैं आईफिल टावर से लेकर अयोध्या राम। फाइनली मैं आपको लेकर चला आया हूँ आईफिल टावर के पास। आप देख सकते हैं ये हुआ आईफिल टावर। तो गाइस देख सकते हैं ये आईफिल टावर, ये हो गया इस्लामपुर बाजार में एनएस रोड। सकता है ये हुआ आईफिल टावर, ये हुआ एनएस रोड इस्लामपुर बाजार में, ये हुआ आईफिल टावर, ये हुआ इस्लामपुर बाजार का है मंडप। आप देख सकते हैं ये हुआ आईफिल टावर, आपको हम नीचे से ऊपर से दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हुआ मंडप, दुर्गा पूजा इधर से साइड से जाएगा, अभी बन रहा है। आईफिल टावर दिखा दिए। ठीक है, तो अभी आपको लेके जा रहा हूँ मैं राम का दर्शन कराने के लिए राम मंदिर। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो के साथ बन रही है मेरे साथ। चलिए हम लोग जा रहे हैं, चलिए भाई भाई। Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah, I can't seem to. तो फाइनली गाइस मैं आप लोग के लिए आ गया हूँ स्टाइल बाजार के पास, जो आदर्श चौक क्लब है उसके सामने। आदर्श क्लब में चलिए राम मंदिर। आप देख सकते हैं ये अपने नज़रों से, ये हो राम मंदिर। इसके अंदर हम आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे जो कितना क्यूट सब बनाया है। यहाँ जो अयोध्या है उसके जैसा सेम टू सेम कॉपी बनाया है गाइस, कोई फ़र्क नहीं है अयोध्या का राम मंदिर में और इस्लामपुर शहर का राम मंदिर में, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर है उसका डिटेल्स आप लोग जान लो। आप जो ऑल नया बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड है उसका सामने जो है, ऑल बस स्टैंड के पीछे में जो है आदर्श क्लब है उसी में बनाया है। स्टाइल बाज़ार हो गया, कॉस्मो बाज़ार हो गया, आपका जो जितना भी बाज़ार है सब बाज़ार के सामने है आप लोग का राम मंदिर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं राम मंदिर है, हम आपको अंदर ले आके दिखाएंगे। कंटिन्यू वीडियो के साथ बने हैं, जो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले देखिए आपका खूबसूरती है गाइस, कितना खूबसूरती आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं लोग ये दिन के टाइम इतना लोग भीड़ लगा के रखे हैं। सबसे पहले अपना शू उतार लेते हैं नीचे, उसके बाद अंदर जाके प्रवेश करते हैं। तो हम जाने से पहले, अंदर दिखाने से पहले हम चारों ओर का व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पिंक कलर का कलर किया हुआ है, चारों ओर से नीचे में फूल लटका हुआ है, कितना खूबसूरती लग रहा है गाइस। फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इधर से, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती लग रहा है। जो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल ब्लॉग देखते रहिए, जो जहाँ से भी देख सकते हैं। अगर अयोध्या आप लोग नहीं जा सकते हैं तो इस्लामपुर में आ सकते हैं, राम मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ये कितना मंजिल है देख सकते हैं, खूबसूरती देखो गाइस, खूबसूरती जितना भी इस राम मंदिर में कॉपी किया सेम टू सेम कॉपी। इधर से एक रास्ता है, ये एग्जिट गेट होगा, अभी बनाया नहीं है। हम आपको चारों ओर से अच्छे से दिखा रहे हैं जैसे आप लोग खुद समझ पाए। देखिए ये हुआ तीन मंजिला बनाया है, आप लोग ये जो साइड में दिख रहा है ना, इधर से और रास्ता बनेगा अभी एग्जिट होने का। आप देख सकते कितना अच्छे से जो है पिलर सब दिया है, जो छत को अच्छे से ठहरा के रखा है। जो खूबसूरती आप अयोध्या का राम मंदिर में देख रहे हैं ना, सेम कॉपी आप देख सकते। ये हुआ स्टाइल बाजार, उसके बाद ये हुआ होटल, उसके सामने है ये आदर्श शंगो। आप देख सकते ये है लिखा हुआ है आदर्श शंगो क्लब के तरफ से, ये हुआ राम मंदिर इस्लामपुर शहर में, इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर।
वेस्ट बंगाल। आपको हम उस साइड दिखा दिए, अभी जा रहे हैं इस साइड दिखाने के लिए, क्योंकि जो आवाज़ था वो हम कम कर दिए हैं, ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता, उसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। जो आवाज़ था ना वो बहुत चिल चिल कर रहा था गाइस, उसलिए हम जो है अपना वॉइस दे रहे हैं, नहीं तो अभी चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अभी आप लोग को अंदर दिखाने के लिए, ठीक है। जो आप लोग राम का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले चप्पल बाहर खोल दे, उसके बाद हम आपको लेके जा रहे हैं राम का दर्शन कराने। जो जो दर्शन करना चाहते हैं तो हम अभी अंदर लेके आ गए। अंदर खूबसूरत है, देखो गाइस इतना खूबसूरती है, ओ माय गॉड। नीचे एक कारपेट बिछा दिया है, देखते अच्छे से कलरफुल, इतना खूबसूरत लग रहा है गाइस। और चारों ओर से जो है देख सकते, ऊपर में झूमर लगा दिया है और पिंक कलर का कलर किया हुआ है, इतना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं राम का दर्शन कर लिया आप लोग, सेम अयोध्या का राम है ये, सेम कॉपी बनाया है गाइस, सेम कॉपी है गाइस। देख सकते हैं लोग यहाँ पे आते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, राम का दर्शन कर रहे हैं, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का राम मंदिर जो है बहुत फेमस है हर जगह। ये जो है एक क्लब ही फेमस है यहाँ का, क्योंकि अगले बार जो बनाया था वो बनाया था को भी खूबसूरत, जो ट्रेनिंग में रहता है गाइस, वो जो आदर्श सुसंग वो ट्रेनिंग फॉलो करता है, वो ही बनाता है। अगले बार केदारनाथ बनाया था, इस बार राम मंदिर बनाया है, बहुत खूबसूरती है गाइस, बहुत खूबसूरती देख सकते चारों ओर से। हम अभी आपको अंदर लेके जाएंगे, आपको दिखा दिए राम जो है रास्ते के बीच में उसको बैठा दिया है, उसके बाद अंदर में है दुर्गा माता, उसके बाद वो आपको लेके दिखा रहे हैं। देखिए चारों ओर से यहाँ पे और खूबसूरती देखिए भीड़, चलो देखो चारों ओर से, देख सकते खूबसूरती देखिए गाइस चारों ओर से, देखिए कलाकारी बहुत किया है गाइस, देखिए खूबसूरती चारों ओर से। देख सकते खूबसूरती गाइस कितना खूबसूरती है, ओ माय गॉड कलाकारी क्या है। आप इधर से हो गया आप लोग का एग्जिट होगा शायद, ये हो गया इधर से, अभी एग्जिट बना ही रहा है, ठीक है, इधर से मतलब आएंगे उसके बाद इधर से बाहर निकलने का रास्ता है। बहुत खूबसूरती है, बहुत दिन से बना रहा था, अभी जाके कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा हम उसके बाद आप लोग को नाइट का व्यू देंगे, ये डे का व्यू दिए, तो देख सकते चारों ओर से, ओ माय गॉड लोग आते हैं बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं ये दुर्गा पूजा, इस्लामपुर का राम मंदिर का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो है इतना है, सब लोकल नहीं है, सब बाहर का लोग है गाइस, सब दूर दूर से आते हैं देखने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद ये हुआ बाहर का नज़ारा, इधर से भी कुछ रखेंगे, अभी रखा नहीं है, जब रखेंगे तब हमको फुल ब्लॉग देंगे और भी नाइट व्यू देंगे, अभी डे व्यू आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बाहर, बाहर लेके चल रहे हैं आप लोग को। आप लोग जब भी आइएगा ना तो यहाँ का खूबसूरती देखने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं गाइस, ये फेमस हो चुका है इस्लामपुर का आदर्श सोंगो क्लब, देखिए चारों ओर से। और गाइस आप लोग को हम दिखा दिया ये चारों ओर का व्यू, दिन का व्यू, ये है दिन का व्यू, और रात का व्यू देखेंगे तो और भी आप लोग का होश उड़ जाएंगे गाइस। चारों ओर से इतना लाइटिंग, खतरनाक लाइटिंग है गाइस, बहुत खूबसूरती लग रहा है, चारों ओर से लाइट जल रहा है, और चारों ओर से लाइट अच्छे से जल रहा होगा, और खतरनाक लग रहा है रात का व्यू में। ये दिन का व्यू हम आपको दिखाए तो रात का भी दिखाएंगे, तब देखिएगा कितना मस्त लगेगा देखने में, देख सकते हैं गाइस चारों ओर से। ऊपर ये भी झूमर लगा दिया है, इधर इधर भी हर एक पॉइंट पॉइंट में झूमर लगा के रखा है, ये सब जब रात में जलेगा ना कितना खूबसूरत लगेगा गाइस, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे इतना खूबसूरत कैसे बनाया है। तो गाइस आप लोग को हम दिखा दिए यहाँ का व्यू दिन का, अगर आप लोग रात का व्यू देखना चाहते हैं तो मेरा जो है नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम हर एक चीज़ आप लोग को दिखाएंगे कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि जो हम अभी दिखाए ये दिन का व्यू दिखाए, और मेरे चैनल को साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे रात का व्यू।
तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय, लव यू इस्लामपुर, नेक्स्ट पार्ट रेडी रहे।